हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 13 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट रैंक टॉप इन एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ड्यूरिंग पेंडेमिक आरबीआई रिपोर्ट। कौन सा स्टेट टॉप किया है एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जो कि पेंडेमिक के दौरान आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जो रिसेंट रिपोर्ट निकाला गया आरबीआई के अनुसार, उसमें जो टॉप 5 प्लेसेस है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी का है। अब कुछ फैक्ट्स हम देख ले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो यूपी का इम्पोर्टेंट लेक्स है रामगढ़ चाल, बकीरा झील, करेला इटोरा झील। अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, गुजरात के सीएम विजय भाई रूपानी और गवर्नर आचार्य देव विराट है और कैपिटल गांधीनगर है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 13 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर इज ऑब्जर्व एज, हम 13 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड काइंडनेस डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो 13 नवंबर है, उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। काइंडनेस डे जो था वो एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप था जो कि एक साथ आए थे नवंबर 13, 1997 में और एक डिक्लेरेशन किए थे काइंडनेस को लेके। वर्ल्ड काइंडनेस डे पहली बार एक दिन था ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के समय पे। अब जो आपका ऑप्शन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु लॉन्च ए मोबाइल ऐप शेषा समाधान, किसने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप शेषा समाधान को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवीन पटनायक, ऑप्शन बी वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन सी भूपेश बघेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो कि सीएम है ओडिशा के, उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन शेषा समाधान को ताकि वो इनेबल करे फार्मर को कि वो डायरेक्टली कनेक्ट करे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से। उन्होंने लॉन्च किया 4 और ऑनलाइन सर्विसेज को भी ताकि वो सॉल्व करे जो इश्यू है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूट का। इस एप्लीकेशन के मदद से फार्मर जो है वो सेंड कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को फोटोग्राफ वो या वीडियो के माध्यम से और इमीडिएट स्टेप लिया जाएगा रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस का फार्मर के। अब कुछ हम फैक्ट देख ले तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल, जो ओडिशा की बर्ड सेंचुरी है चिल्का बर्ड सेंचुरी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो आपका ऑप्शन था ये सीएम है आंध्र प्रदेश के और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020। क्या थीम है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020 का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन बी साइंस अ ह्यूमन राइट, ऑप्शन सी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। जो थीम है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020 का, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, इसका फोकस होगा साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी पे जो कि डील करे ग्लोबल पेंडेमिक से। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ग्लोब में 10 नवंबर को ताकि हाईलाइट किया जा सके जो रोल है साइंस का सोसाइटी पे और जो जरूरत है इंगेज करने का इसको ताकि पब्लिक जो है वो डिस्कस करे इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यू को। जो पहली बार वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट था वो ऑब्जर्व किया गया था 10 नवंबर 2002 को अंडर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऑस्पिशियस में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ओजोले है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड ये थीम था 2019 का और साइंस आर ह्यूमन राइट ये थीम था आपका 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज गोइंग टू पब्लिश कीवी पीएम जैक इंडिया बायोग्राफी जैक इंडिया आल्ड्रेन लीडिंग विथ एम्पैथी। कौन पब्लिश करने वाला है कीवी के पीएम जैक इंडिया बायोग्राफी को जैक इंडिया आल्ड्रेन लीडिंग विथ एम्पैथी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्पर कॉलिंस, ऑप्शन बी पेंगुइन पब्लिकेशन, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्पर कॉलिंस। जो जैक इंडिया आर्ड्रेन लीडिंग विथ एम्पैथी है जो कि एक बायोग्राफी है न्यूजीलैंड के पीएम जैक इंडिया आर्ड्रेन का, इसको पब्लिश किया जाएगा 2021 में हार्पर कॉलिंस के द्वारा। ये जो बुक है उसको ऑथर किए हैं सुप्रिया वानी एंड कार्ल हाल्टे ने मिलकर। इस बुक का जो बारे में हम कुछ जान ले तो जो बायोग्राफी है वो रीडर्स को एक इनसाइट बताएगा जो इनर वर्ल्ड है जैक इंडिया आल्ड्रेन के। ये एग्जामिन करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को थ्रू दी ऑथर के इंटरव्यू मल्टीट्यूड और पब्लिक स्टेटमेंट स्पीचेस को ध्यान में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टीसीएस टू एक्वायर 100% शेयर ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम एजी
फ्रॉम विच बैंक, जो TCS है वो एक्वायर करने वाला है 100% शेयर पोस्ट बैंक सिस्टम AG का किस बैंक से। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBL, ऑप्शन सी ड्यूटिस्ट बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूटिस्ट बैंक, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसने साइन किया है एक एग्रीमेंट ड्यूटिस्ट बैंक AG के साथ, जिसके तहत जो TCS है वो एक्वायर करेगा 100% ऑफ दिस शेयर ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम, जो कि ड्यूटिस्ट बैंक AG का होगा। जो वैल्यू है डील का ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। PBS जो है वो IT सर्विस प्रोवाइडर है ड्यूटिस्ट बैंक का। अब ड्यूटिस्ट बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इसके CEO क्रिस्टियन श्विंग है और प्रेसिडेंट कार्ल वॉन रोर है। इसको फाउंड किया गया था 1870 पे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके CEO एंड MD जो है राजेश गोपीनाथन है। चेयरमैन जो है बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको लॉन्च किया गया था April 1, 1968 में एज ए डिवीजन ऑफ टाटा सन्स के तौर पे। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। RBL के CEO विश्ववीर आहूजा है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1943 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हुज सेटअप अ 9-member वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय आर चंद्रशेखरन टू रिविजिट द रिटेल बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ। किसने सेटअप किया 9-member वर्किंग ग्रुप को, जिसको कि हेड कर रहे आर चंद्रशेखरन, ताकि वो रिविजिट करे जो रिटेल बिजनेस है इंजीनियरिंग टैरिफ का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए IRDA, ऑप्शन बी SEBI, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IRDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है 9-member वर्किंग ग्रुप, जिसको कि हेड कर रहे आर चंद्रशेखरन, ताकि वो रिविजिट करे जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग टैरिफ का, जो कि रिलीवेंट हो रिटेल बिजनेस से, और प्रोवाइड करे सुटेबल रिकमेंडेशन, ताकि रिवाइज करने में इसको आसानी हो। जो कमेटी है वो सबमिट करेगा अपने रिपोर्ट को 3 महीने के अंदर। जरूरत क्यों पड़ रहा इस ग्रुप को बनाने का, तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जो है कंस्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, साथ साथ जो कंटिन्यूअस एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसके कारण कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है इसमें भी चेंजेस आ रहा है रिगार्डिंग इंश्योरेंस को लेके। इस कारण वर्किंग ग्रुप जो है वो रिविजिट करेंगे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को, जो कि एक इल्चविल टैरिफ होगा रिटेल सेगमेंट के लिए इस प्रोडक्ट का। अब जो ये पैनल है, तो पैनल जो है रिकमेंड करेंगे न्यू सुटेबल और अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को, जो कि इन लाइन विथ होगा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन रिटेल बिजनेस को ध्यान में रख के किया जाएगा। पैनल जो है रिकमेंडेशन देगा रिगार्डिंग जनरल रेगुलेशन को लेकर टैरिफ का एज पर टर्म ऑफ रिफरेंस ऑफ द ग्रुप। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, इसके चेयरमैन डॉक्टर सुभाष सी कुंटिया है। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेटर है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का इंडिया पे, जिसको कि ऑन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में और स्टेटूटरी पावर दिया गया था 30 जनवरी 1992 में थ्रू SEBI एक्ट। SEBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विथ कॉपरेटिव फेडरलिज्म में हो, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, और जिसका अप्रोच क्या हो तो बॉटम अप अप्रोच। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और इसके CEO अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑथर द बुक टाइटल हाउ टू बी अ राइटर। किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है हाउ टू बी अ राइटर। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी संगीता घोष, ऑप्शन सी तथागत रॉय, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, जो बुक है जिसका टाइटल है हाउ टू बी अ राइटर, इसको ऑथर किया गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा और पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। ये जो बुक है वो प्रैक्टिकल एडवाइस देता है हर एक पर्सन को जो कि एस्पायर कर रहे हैं लिखने के एस्पिरेशन रखते हैं एंड बी पब्लिश। अब रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट के, वन ऑफ द इंडियन मोस्ट वेल नोन चिल्ड्रेन राइटर है। उनका पहला नॉवल जो था द रूम ऑन द रूफ, इट्स फर्स्ट चिल्ड्रेन बुक एंग्री रिवर, इसको पब्लिश किया गया था 1970 पे। रस्किन बॉन्ड को जो अवार्ड मिला है उनको पद्मश्री मिला है 1999 में और पद्म भूषण मिला है 2014 में। संगीता घोष जो आपका ऑप्शन था वो उन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है प्रेसिडेंट लेडी, और तथागत रॉय उनके द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड 2019 फॉर वाटर मैनेजमेंट। किस स्टेट को मिला है बेस्ट स्टेट का अवार्ड, जो सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड था 2019 का वाटर मैनेजमेंट को लेके। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस में है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड था 2019 का अंडर बेस्ट स्टेट नॉर्मल कैटेगरी पे फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर के लिए। जो के मनी वसन है पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी, उनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट स्टेट अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट के। अराउंड 98 अवार्ड थे 16 डिफरेंट कैटेगरीज में जो कि प्रेजेंट किए गए थे वर्चुअल इवेंट में। अब कुछ फैक्ट देख ले हम तो तमिलनाडु के सीएम तिरुइडप्पी के पलानी स्वामी है, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सटिया मंगलम टाइगर रिजर्व। अब जो न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट है तमिलनाडु में आपका, तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। केरला के सीएम पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोबी क्विक पार्टनर विथ होम टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कार्ड मोबी क्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अ डिजिटल प्रीपेड कार्ड। मोबी क्विक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो लॉन्च करे अपना पहला कार्ड मोबी क्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड होगा जो कि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएक्स, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी अमेजोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एमएक्स। मोबी क्विक ने पार्टनरशिप किया है अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स के साथ ताकि वो लॉन्च करे उसका पहला कार्ड मोबी क्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो कि एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड होगा एमएक्स नेटवर्क पे। ये पहला प्रीपेड पेमेंट कार्ड होगा एमएक्स का विथ फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट के साथ। इस लॉन्च से मोबी क्विक जो है वो पहला नॉन बैंक इंडियन कंपनी हो गया है जो कि मेंबर बना है अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क का और इश्यू करेगा कार्ड को इंडिया पे। मोबी क्विक का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके को फाउंडर और सीईओ बिपिन प्रीत सिंह है और को फाउंडर सीसीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है उपासना टाकू है। इसको फाउंड किया गया था 2009 में अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स। इसके चेयरमैन और सीईओ स्टेफन जे स्क्वेरी है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। पेटीएम पेमेंट बैंक इसके सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है और हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस है, हेडक्वार्टर सीटल वॉशिंगटन यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्चेज कोविशील्ड प्लस इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसने लॉन्च किया है कोविशील्ड प्लस जो कि इंडिया का पहला इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी इडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। जो इडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसने लॉन्च किया है कोविशील्ड प्लस जो कि इंडिया का पहला इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डायग्नोसिस। अब इडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी सीईओ जो है मिस्टर सुमित राय है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2011 पे। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन कैंपेन को सोशल मीडिया पे ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ संजीव श्रीनिवासन है और इसका टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जिसको कि ऑन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरपर्सन MR कुमार है और LIC को फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक लॉन्च इज फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेस रुपे डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड। किस बैंक ने लॉन्च किया है पहला कॉन्टैक्ट लेस रुपे डेबिट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड जो है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी कर्नाटका बैंक, ऑप्शन सी अलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका बैंक। जो विजन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का उसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया एक नया इंडिजिनस रुपे डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये जो कार्ड है वो बैंक का पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड होगा। ये कार्ड जो है वो इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कम प्रीपेड एंड इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड होगा, वन नेशन वन कार्ड, जो कि कार्ड जिसका बहुत सारा बेनिफिट होगा। कर्नाटका बैंक लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु या मैंगलोर कर्नाटका पे है। इसके एमडी सीईओ जो है महाबालेश्वरा MS है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 18 फरवरी 1924 पे। कर्नाटका बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। देना बैंक के सीईओ कर्णम शेखर है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अलाहाबाद बैंक के सीईओ SS मल्लिकार्जुना राव है और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अटेंडेड
फर्स्ट ब्रिक फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग वर्चुअली। अभी हाल ही में किसने अटेंड किया जो पहला ब्रिक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का मीटिंग हुआ था वर्चुअली? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर के मीटिंग पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया के। एजेंडा इसका क्या था? डिस्कस करना जो आउटकम्स है G20 सऊदी प्रेसिडेंसी इन 2020 का, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा इनकरेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को और एक्सपेंशन के लिए मेंबरशिप ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या था? इंडियन साइड जो है वो सपोर्ट कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है कि एक कंसेंसस सॉल्यूशन हो जो कि मदद करे इंश्योर करने में फेयरनेस को, इक्विटी को और सस्टेनेबिलिटी को टैक्स सिस्टम के फील्ड में। अब ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका चेयरमैनशिप जो है 2020 का रशिया प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली ब्रिक्स बैंक के जो है मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो है ब्राजील के। रघुराम राजन जो थे वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है और शक्तिकांत दास ये प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है। ये क्वेश्चन है आपके होम असाइनमेंट के लिए। UKIBC डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 विच स्टेट शोड मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। जो यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 का है उसमें किस स्टेट ने शो किया है मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।